सोचिए आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो और कुछ लोग आपके यहाँ खाना खाने के लिए आए और खाना खाने के बाद बिना पैसे दिए ही रफू चक्कर हो जाए तो क्या हो। महाराष्ट्र के बीड से ही एक ऐसा मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी खौफनाक है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि किस तरह एक कार एक शख्स को घसीटते हुए ले जा रही है। ये फुटेज हाईवे के किनारे मौजूद एक होटल का बताया जा रहा है, जहां कुछ युवक खाना खाने आए थे, लेकिन खाना खाने के बाद जब वेटर बिल लेकर पहुंचा तो कार स्टार्ट करके वहां से रफू चक्कर होने लगे। इस बीच वेटर उन जालसाजों की कार में लटक गया, जिसे उन्होंने कई सौ मीटर तक यूं ही घसीटा। ये तस्वीरें सचमुच रोंगटे खड़े करने वाली है। जानकारी के मुताबिक खाने के बाद बिल आने पर तीनों आरोपी ये कहते हुए कार में बैठ गए कि स्कैनर लेकर आओ, वहीं पर बिल पे कर देंगे। पर जैसे ही वेटर स्कैनर लेकर कार के पास पहुंचा तो तीनों ने बिल को लेकर बहस शुरू कर दी और ड्राइवर के बगल में बैठे एक आदमी ने वेटर को दरवाजे से पकड़ लिया और फिर आरोपियों ने उसे काफी दूर तक यूं ही घसीटा। बताया जा रहा है कि युवकों ने वेटर को कार में खींचकर भर लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसे पूरी रात बंधक बनाकर पिटाई भी की। साथ ही वेटर की जेब से 11,500 रुपए भी छीन लिए और अगली सुबह उसे छोड़ा। फिलहाल मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। हालांकि यहां सवाल ये है कि युवक क्या इसी नियत से होटल में घुसे थे कि वो फ्री का खाकर भाग जाएंगे, या फिर वेटर से हुई नोकझोंक में बात इतनी बढ़ गई कि वो कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगे। वजह कुछ भी हो, लेकिन युवकों की ये हरकत उन्हें जेल भिजवाने के लिए काफ़ी है। वेटर को कार से घसीटते वक्त अगर उसे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ऊपर से सुनसान जगह ले जाकर उसकी पिटाई करना, पैसे छीन लेना, ये सब क्राइम के दायरे में आता है और इसकी सजा आरोपियों को जल्द से जल्द मिलनी ही चाहिए। मुफ्त का खाना इन युवकों को इतना महंगा पड़ना चाहिए ताकि इसकी मिसाल लोगों को याद रहे और जेब में पैसे ना हो तो दबंगई दिखाते हुए मुफ्त की रोटी तोड़ने कोई ना पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।